आज किसी लड़की या स्त्री के साथ अगर रेप हो जाता है तो बहुत सारे लोग उस व्यक्ति के द्वारा किए गए रेप को ऐसे देखते हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे पीटते हैं जैसे उस व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। लेकिन आज इसके पीछे वास्तविक व्यक्ति मनुष्य ही है, जिसने आज लड़कियों और स्त्रियों को केवल संभोग की वस्तु ही बना दिया है। वह लड़कियों और स्त्रियों के लिए ऐसे कपड़े तैयार कर रहे हैं जिससे उनके अंग दिखें, जैसे स्तन, पेट, योनि और जांघ, जिससे उनके शरीर के हर एक आकार का पता चले कि कितना मांस कहां पर है और किस आकार का है, जिससे आज हर एक मनुष्य की मानसिकता गिरती जा रही है। अगर मनुष्य इतना ही सीधा है, शरीफ है और जानकार है और स्त्रियों के प्रति मान सम्मान रखता है तो फिर आज की अभद्र, अश्लील और जिस्म का प्रदर्शन करने वाले लड़कियों के फॉलोवर्स इतने ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं? कौन है वो फॉलोवर्स? अगर हम इतने ही शरीफ हैं और सीधे साधे हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा रेप करने पर उसको मारते हैं, पीटते हैं और उसके लिए कई तरह की नारेबाजी और न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन आज हम बाहर से इतना साफ सुथरा दिखते हैं, अंदर से उतने ही गंदे और अभद्र होते जा रहे हैं। अगर हम अंदर से भी साफ सुथरा होते तो इस तरह की लड़कियों और हीरोइनों के इतने फॉलोअर्स नहीं होते जो अपनी न जाने किस तरह की नग्न, अधनंग और अश्लील फोटो और वीडियो डालती हैं। उस पर न जाने कितने मिलियन व्यू, लाइक और कमेंट आ जाते हैं। ये लाइक, व्यू, कमेंट कहाँ से आते हैं? हम जैसे इंसानों की वजह से तो आते हैं। इस पर कोई बात नहीं करता, इस पर कोई बहस नहीं करता, क्योंकि आज मनुष्य समाज अंदर से इतना गंदा है। इसकी गंदगी आज अगर किसी सामने दिखा दी जाए तो वह इंसान जानवर से भी बेबदतर और अश्लील है।